हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय थर्ड लेक्चर ऑफ एंटोनिम एंड सिनोनिम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली इन पर्टिकुलर वर्ड्स के एंटोनिम। देखिए, एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि जो भी ये वर्ड लिखे हैं, जैसे सगाशियस का मतलब क्या होता है, बुद्धिमानी। तो बुद्धिमानी का अपोजिट क्या हो सकता है, मूर्ख हो सकता है। तो अपोजिट वर्ड को ही हम क्या बोलते हैं, बेसिकली एंटोनिम। तो आइए देखते हैं कि इसके एंटोनिम क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला हमारा जो एंटोनिम होता है, पहला एंटोनिम होता है डेफ्ट, DEFT, डेफ्ट, राइट। तो देखिए, डेफ्ट का मतलब होता है मूर्ख। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि डेफ्ट का मतलब मूर्ख तो होता है, लेकिन ये क्या होगा, यहाँ पर ये एडजेक्टिव होगा, यहाँ पर नाउन होगा, या फिर एडवर्ब होगा। तो देखिए, बेसिकली जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी तो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो भले ही ये नेगेटिव क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन फिर भी इट वुड बी कंसिडर्ड एज एन एडजेक्टिव, राइट। तो देखिए, हम नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फूलिश, राइट। अब देखिए, मुझे फूलिश के बारे में आपको एक्सप्लेन करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि फूलिश का मतलब सभी को पता होता है। क्या होता है फूलिश का मतलब? फुलिश का मतलब भी होता है मूर्ख, राइट स्टूडेंट। मूर्ख भी क्या बता रहा है, किसी की क्वालिटी। तो हम बोले कि फुलिश, इट इज अ एडजेक्टिव, राइट, इट इज क्लियर। देखिए, नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है इनजुडिशियस, INJUDICIOUS, इनजुडिशियस। तो जिसके वर्ड के लास्ट में ओ यू एस आता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम बोलते हैं एडजेक्टिव, राइट स्टूडेंट्स। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं डेफ्ट के बारे में, ठीक है, डेफ्ट क्या है, यहां पर एडजेक्टिव, ये तो हमने पढ़ा है, राइट। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसका एडवर्ब क्या बनेगा, तो सिंपली DEFTLY, क्योंकि हमें पता है कि एडजेक्टिव के लास्ट में अगर हम LY एड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि डेफ्टली, राइट, इसका नाउन क्या होगा, तो आप सिंपली क्या करेंगे इस क्लास में, NESS, यानी DEFTNESS, डेफ्टनेस, राइट स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। तो डेफ्टनेस का मतलब क्या होता है, डेफ्टनेस का मतलब होता है मूर्खता, क्योंकि मूर्खता को हम फील कर सकते हैं, तो दैट्स व्हाई इट वुड बी कॉल्ड नाउन। तो देखिए, डेफ्टली का अगर मैं आपसे मतलब पूछता हूं तो क्या होगा इसका मतलब, इसका मतलब होता है, डेफ्टली का मतलब होता है मूर्खता पूर्ण तरीके से, राइट। तो मैंने यहाँ पे डेफ्टनेस को तो लिखा है यहाँ पे नाउन, और डेफ्टली क्या हुआ यहाँ पे हमारा एडवर्ब। तो अब आप स्टूडेंट मुझे खुद बताइएगा कि जो फुलिश है, फुलिश तो हमें पता है एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसका एडवर्ब क्या होगा, इसका एडवर्ब होगा FOOLISHLY, फुलिशली, राइट। इसका मतलब क्या होगा, फुलिशली। तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूं इसका मुझे नाउन बताइए कि नाउन क्या होगा इसका, तो आपको सिंपली क्या करना है, FOOLISH, फुलिश, ठीक है। ये मैंने जो एडजेक्टिव होता है ये तो मैंने एज इट इज लिखा है यहाँ पर, और इसके लास्ट में मैंने यहाँ पर एड किया नेस, जो होता है बेसिकली सफिक्स। और जिन भी वर्ड के लास्ट में सफिक्स NESS एड होता है, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं वहां पर बेसिकली नाउन। तो देखिए, इनजुडिशियस ये क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हम इसका एडवर्ब बताइए, तो एडवर्ब कैसे बनाएंगे हम इसको, हमें पता है कि हमें बेसिकली एडजेक्टिव के लास्ट में LY एड करना होता है, तो वही हम काम करते हैं, INJUDICIOUSLY। तो ये क्या हो गया यहाँ पे हमारा एडवर्ब, राइट स्टूडेंट, इतना समझ में आ रहा है। अब आप खुद से ट्राई कीजिए ये बनाने की कि इसका नाउन क्या हो सकता है, ट्राई कीजिए स्टूडेंट्स। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, हमें क्या करना होता है, जो भी ये वर्ड लिखा है एडजेक्टिव, इसके लास्ट में NESS एड करना होता है, NESS, राइट। और हमें पता है कि जिन भी वर्ड के लास्ट में NESS होता है वो हमेशा क्या होते हैं, नाउन होते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि आपको हर एक वर्ड में ही एन ई एस एस एड करना होता है, राइट। यानी कि कुछ वर्ड्स में आपको आई ओ एन एड करना होता है, कुछ वर्ड में आपको एन ई एस एस एड होना करना होता है, और कुछ वर्ड के लास्ट में आपको टी वाई एड करना होता है। तो अब नाउ क्वेश्चन इज, अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए यहाँ पे कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कहां पर एन ई एस एस एड करना है और कहां पर हमें टी वाई एड करना है। तो देखिए, जैसे जैसे आप इन सभी वर्ड से गो थ्रू होते चले जाएंगे, आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, तो धीरे धीरे एक टाइम आपकी लाइफ में ऐसा आएगा कि आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई, इस वर्ड के लास्ट में तो हमको टी वाई ही एड करना होगा, इस वर्ड के लास्ट में तो हमें एन ई एस एस ही एड करना होगा, राइट स्टूडेंट। इस तरह से तो देखिए, हम नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। मैंने यहां पे लिखा एक वर्ड सिली, एस आई एल एल वाई। एक वर्ड मैंने यहां पे लिखा अनवाइज, यू एन डब्ल्यू आई एस ई, अनवाइज। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अनवाइज क्या होगा, यहां पर एडजेक्टिव, यहाँ पे सिली जो होता है, ठीक है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जिनके भी लास्ट में एलवाई आता है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। लेकिन स्टूडेंट, इसका मतलब मैंने आपको ये भी बताया था कि हमेशा 100% ये जरूरी नहीं होता है कि वो वर्ड हमेशा एडवर्ब ही होंगे। तो अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट अगर होता है तो आप ट्राई कीजिए उसका हिंदी मीनिंग निकाल लेगा। तो देखिए, मुझे तो पता है कि सिली का हिंदी मीनिंग होता है मूर्ख, और मूर्ख तो कभी भी हमारा एडवर्ब हो नहीं पाएगा। क्यों, क्या ये कोई मैनर शो कर रहा है? नहीं। तो हम इसको बोलेंगे कि सिली यहां पर होगा एडजेक्टिव, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एडवर्ब कैसे बनाएंगे, तो सिंपली एलवाई एड करना है, एस आई एल एल आई एल वाई, सिली, इट वुड बी एडवर्ब, राइट, इट वुड बी एडवर्ब। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसका नाउन क्या होगा, तो नाउन बनाने के लिए हमें वही काम करना है कि इसका लास्ट में एन ई एस एस, यानी कि एस आई एल एल आई एन ई एस एस, सिलीनेस, इट वुड बी नाउन, राइट। देखिए, सिली का मतलब क्या होता है, मूर्ख। सिलीनेस का मतलब क्या होगा, मूर्खता, क्योंकि फील कर सकते हैं आप। और सिली का मतलब क्या होगा, यानी कि मूर्खतापूर्ण तरीके से। अनवाइज क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अनवाइज का एडवर्ब क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, यू एन डब्ल्यू आई एस ई एल वाई, सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर एल वाई एड करना है, राइट स्टूडेंट। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि अनवाइज का नाउन क्या होगा यहाँ पे, तो आपको नॉर्मली करना क्या है, इसके लास्ट में एन ई एस एड करना है, यानी कि अनवाइज, अनवाइज राइट, ये होगा हमारा नाउन। तो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्लास में और भी एंटोनिम एंड सिनोनिम के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो रियल में अगर पसंद आया, अगर आपको मेरा वीडियो रियल में अच्छा लगा है, तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब तभी करें, राइट। ओके, थैंक यू सो मच।